नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सरिता गुप्ता आपके अपने कार्यक्रम कुंडली ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आज उन लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा जो लोग व्यवसाय करते हैं और उनका व्यवसाय में लेन देन चलता रहता है, उस लेन देन में दिक्कतें आती है, लेन देन में दिया गया पैसा टाइम पर वापस नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो माल नहीं ले पाते या उनको काम नहीं बन पाता या आगे अपनी पेमेंट नहीं कर पाते, और जो पैसा उनको उस समय मिलता है जिस समय की उनको दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं और नियमित रूप से इसकी वजह से उनका काम चल नहीं पाता। इसकी वजह से शुक्र ग्रह हो सकता है, उसकी स्थिति का खराब होना हो सकता है, शुक्र ग्रह का अष्टम द्वादश या छठे भाव में शत्रु राशि में होना हो सकता है या पाप प्रभाव में हो। बृहस्पति ग्रह जो कि कुंडली का एक मुख्य कारक ग्रह माना जाता है, अगर वह कुंडली का ग्रह बारहवें भाव में हो, वक्री में हो, पाप प्रभाव स्थिति में हो या कोई बुरा ग्रह उसको देख रहा है तो उनको दिक्कतें आती है, कितना भी काम कर ले उनको बरकत नहीं होती, कोई ना कोई उनके पैसे को लेकर के परेशानी रहती है। शनि ग्रह की बात करें, शनि ग्रह चंद्रमा के साथ भाग्य भाव में बैठा हो, अष्टम में बैठा हो, द्वादश में बैठा हो या छठे घर में बैठा है तो भी दिक्कतें आती हैं और उस वजह से व्यक्ति का जो है काम करने में मन नहीं लगता और वह जीवन में जो बाधा आ रही होती है वह चलती ही चली जाती है। आइए उपाय बताती हूँ क्या करना है आपको। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति पर लक्ष्मी पूजन करने के बाद गोल्ड प्लेटेड करा करके पूजा रखने से लाभ होगा। प्रतिदिन आटा गूंथते समय उसमें एक चुटकी नमक व एक चुटकी बेसन मिला लें, जिससे कि जो ग्रह बाधा है वह दूर होगी, बृहस्पति से रिलेटेड बाधा दूर होगी, नकारात्मकता दूर होगी, नेगेटिविटी दूर होगी और घर में सुख शांति खुशहाली और पैसा आने लगेगा। जो भी पैसा जिसने लिया है वह भी वापस देने के लिए आपसे बात करेगा। गेहूँ जब पिसवाने जाते हैं चक्की पर तो जाने से पहले उसमें थोड़े से चने मिलवा लें और कोशिश करें कि ये जो चने आप गेहूँ पिसवाते हैं सोमवार एवं शनिवार को ही पिसवाएं और उसी दिन लेकर के आए, ना कि उसको अगले दिन के लिए रोक दें। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप नवरात्रों में करें तो बहुत ही बढ़िया रहता है। नवरात्रों में तो आप किसी विद्वान पंडित से जो चैत्र के नवरात्रे आते हैं और शरद नवरात्रि आते हैं उसमें कराएं। बाकी आप नित्य प्रति अगर कोई भी उसको जो पाठ करते हैं उससे भी आपको लाभ होगा। चींटियों को शक्कर खिलाएं या फिर एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा काले तिल चावल और शक्कर मिलाकर के चींटियों को डालें, कम से कम 108 दिन तक डालें किसी वृक्ष के नीचे तो बहुत लाभ होगा। अगर घर का उत्तर पूर्व कोना यानी ईशान में टॉयलेट है तो भी दिक्कत आती है, और अगर टॉयलेट है तो उसको वहां से तुरंत हटा दें और वह साफ स्थान को साफ सुथरा कर दें और वहां पर कोई हैवी चीज़ें ना रखें, नहीं तो दिक्कत आएगी, वहां से आने वाली जो शुद्ध हवा है अशुद्ध होगी, इससे काम करने में दिक्कतें होंगी। और कुछ ऐसी वस्तुएं जो घर में अगर कील पड़ी हो या कुछ टूटी लकड़ी पड़ी हो, कबाड़ा पड़ा हो, खराब घड़ियां या मोबाइल पड़े हो, उन सबको भी आप घर में से बाहर निकाल दें और कुंडली में जो बली ग्रह हैं उनके मंत्रों का जाप कराएं किसी विद्वान पंडित से और उनसे रिलेटेड ग्रह की जो है स्टोन पहने, जिससे लाभ होगा। और खराब ग्रहों का दान करें, खराब ग्रहों की वस्तुओं का दान करें, उस रंग के कपड़े ना पहने और उनसे दूर रहें तो और आपको बहुत लाभ होगा। तेज स्वर में ऊंची आवाज में बात करने का प्रयास ना करें, हमेशा बात को मीठे स्वरों में बात करें जिससे कि चीज़ें आपकी ठीक होंगी। तो दोस्तों, इस प्रकार अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपका काम धंधा चल नहीं रहा, व्यवसाय में दिक्कतें आ रही हैं, कोई आपका पैसा लेकर के उधार लेकर के वापस नहीं करता या फिर आपने लेन देन में दिया गया पैसा आपका अटका हुआ है, पेमेंट फंसी हुई है, कहीं से पेमेंट आ नहीं रही है, माल आपने भेज दिया, दिक्कतें आ रही, तो अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन जरूर कराएं। अगर आपका बिजनेस ये पार्टनरशिप में है तो दोनों पार्टनर तीनों चारों जितने भी पार्टनर हैं उन सब पार्टनरों की हॉरोस्कोप दिखाएं और अपनी जो आपने व्यवसाय का या प्रतिष्ठान का जो भी नाम लिखा है उसका डेट ऑफ बर्थ से भी एनालिसिस कराने से बहुत लाभ होगा। ऐसे कुंडली में विशेष ग्रहों के विशिष्ट उपाय दशा और ट्रांजिट के अनुसार करने से लाभ होता है। धन्यवाद।